हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बाटी चोखा, जिसको हमारे बिहार में लिट्टी भी कहते हैं और यूपी में बाटी और चोखा, जिसमें इस खास तौर पर बैगन और आलू का भरता, चटनी और भरी हुई बाटियां होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बैगन, प्याज, टमाटर, आलू, लहसुन की कलियां, हरी मिर्च और कुछ स्पाइसेस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे। इसके लिए एक जार में अमिया काट के हरी मिर्च, टमाटर डाल करके, जीरा थोड़ा डालेंगे, लहसुन की कुछ कलियां डाल करके, नमक डाल करके इसे हम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। लीजिए, हमारी चटनी तैयार है। बैगन को सबसे पहले भून लेते हैं। अगर आप नहीं भूनना चाहते हैं तो आप उबाल भी सकते हैं। सबसे पहले बैगन को धो करके काट कर चेक कर लेंगे। प्रेशर कुकर में कुछ आलू लेंगे, जैसे कि चार, उसके ऊपर कटे हुए बैगन हम रख देंगे। लहसुन की कलियां रखेंगे, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके, जैसे कि 1 TSP अच्छे से डाल के, थोड़ा सा पानी बस आलू के नीचे 1 कप बस डाल करके, और ढक्कन बंद करके 1 सीटी आने देंगे। ये बैगन निकाल के आलू और उबाल लेंगे। अब भरता बनाने के लिए एक पैन में हम थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे, उसमें 1 पिंच हींग, कटे हुआ अदरक, कटा हुआ लहसुन, कटे हुए प्याज डाल करके हरी मिर्च डालेंगे और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर डालकर मिक्स करके थोड़ा सा चला लेंगे और कटे हुए टमाटर डालकर पकाएंगे। जब हमारे टमाटर पक जाएंगे तो उसमें थोड़ी सी हरी धनिया, उबले हुए बैगन डाल करके मैश कर देंगे। जो हमारे लहसुन की कलियां हमने डाली थी वो भी हम इसमें ही डाल देंगे। अब उबले हुए आलूओं को भी पील आउट करके हम इसमें डाल करके मैश कर लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और सारा मिक्स करके चोखा तैयार कर लेंगे। चोखे के बाद हम बाटी का आटा तैयार कर लेते हैं। एक बोल में हम आटा ले लेंगे, उसमें 4 से 5 चम्मच देसी घी डालेंगे, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। नमक डालेंगे और मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसे हम ढक करके कुछ देर रेस्ट पर रख देंगे। तब तक हम बाटी की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक बोल में हम सत्तू, चने का सत्तू लेंगे। इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे, भरवा मिर्चे का मसाला डालेंगे। फ्रेंड्स, भरवा मसाले से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही चटपटा सा हो जाता है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही टेस्टी हो जाता है। और अमचूर पाउडर डालेंगे और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। सरसों का तेल डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सरसों का तेल इसलिए क्योंकि सरसों के तेल से इसका टेस्ट देसी आता है। 10 मिनट बाद आटा तैयार है। इसके 2 भाग कर लेंगे, एक को रख करके छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे, फिर इसे गोल करते हुए इसमें फिलिंग भर लेंगे। अच्छे से बंद करें। यहाँ पे ये ध्यान करना रखना होगा कि बंद वो प्रॉपर हो जाए, सब तरफ से अच्छे से बंद होना चाहिए, फिर गोल शेप दे दें। इसी तरह से हम सारी बाटियां तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बाटी हमारी तल करके भी बनाई जाती है,
बेक्ड भी बनाई जाती है और साथ में भुनी हुई बाटी भी बनाई जाती है। भुनी हुई बाटी जो कि सबसे अच्छी लगती है वो हम तंदूर पे बनाते हैं, बेक्ड हम माइक्रो में बना सकते हैं। और अभी मैं आपको फ्राई करके कैसे बाटी तैयार की जाती है वो बता रही हूँ। ये हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें बाटियों को डाल करके फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम में इसे धीरे धीरे तलेंगे दोनों तरफ पलट करके। इसे प्रॉपर तलना पड़ता है क्योंकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए, क्योंकि ये आटे की होती है। और गोल्डन ब्राउन जब ये हो जाएगी तो ये फूल जाएगी और ये इस तरह से दिखेगी। बस निकाल लीजिए और चोखे के साथ गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व करेंगे।